vamos. रेस्टोरेंटों में मिश्रण किया जा रहा था, किस तरीके क्या है कि सरकार द्वारा स्वच्छ ढाबा अभियान चलाया जा रहा है, इसमें हम सभी ढाबों पर एक लिस्ट बना रहे हैं, जो हाईवे पर ढाबे हैं उनको एक सूचना के माध्यम से जागरूकता बढ़ा रहे हैं कि ये जानकारी हो जाए कि आप अपने ढाबे पर वो सारी व्यवस्थाएं दें जिससे जनमानस को लाभ हो सके। और उनको हम एक नोटिस दे रहे हैं, उस नोटिस में पॉलीथीन पर प्रतिबंध, शौचालय की उपस्थित रहे उनके यहाँ, और हाइजीनिक व्यवस्था हो, जो भी खाने पीने का सामान दे रहे हैं इधर, और इन सब मानकों को हम उनको अवगत करा रहे हैं एक नोटिस के माध्यम से। और निकट भविष्य में, मतलब कि हमारा अभियान जो 3 तारीख से चल रहा है, 3 जनवरी से, ये 31 मार्च 2023 तक चलेगा। इसमें हम इनका सिलेक्शन करेंगे और इनको रेटिंग देंगे, स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, उससे इनका पैरामीटर पता चलेगा कि इनके पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या क्या व्यवस्थाएं दे रहे हैं। लोग गूगल मैप पे और उस पर देख सकेंगे, आके इनके यहाँ करेंगे, उनकी दुकान की भी जो है इससे वो बढ़ेगी और लोगों को उसका लाभ मिलेगा। कितने लोगों को सर नोटिस दिया गया है, कितने लोगों को? शहर के जो मेन रोड हाईवे पर ढाबे हैं, 6-7 ढाबों को हम लोग चिन्हित किए हैं और उनको नोटिस दिए हैं, और उनको यहाँ जाके हम जागरूक भी कर रहे हैं कि आप ये सब ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं करिए जिससे आपका ढाबा भी बेहतर होगा और लोगों को जनमानस को उसका लाभ मिलेगा। सर मान सफाई से लोग खाना, साफ सफाई से खाना बनाएंगे, हाइजीनिक होगी, लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगी। और पॉलीथीन फ्री जोन हम घोषित कराएंगे, उनके ढाबे पर किसी भी तरह की पॉलीथीन का प्रयोग नहीं हो रहा है, और वो अपना एक वहाँ स्टिकर भी चिपकाएंगे जिससे लोग देखें तो पॉलीथीन का प्रयोग खुद भी ना करें, और जितने भी उनके सामान होते हैं, कटलरी वगैरह, वो सब जो है पॉलीथीन के नहीं रहेंगे।